गुड मॉर्निंग। गैसों का अणुगत सिद्धांत बिहेवियर आप ये भी कह सकते हैं, व्यवहार भी कह सकते हैं, काइनेटिक मॉडल आप, काइनेटिक थ्योरी आप गैसेस पढ़ रहे थे, न्यूमेरिकल्स कल तक हमने लगाए इसके, और जितना संभव था उतना न्यूमेरिकल्स हमने भेजे आपको और गणनाएं बोर्ड पर भी किया। अब आपका यहाँ से ये टॉपिक खत्म होता है और एक नए टॉपिक, एक नए यूनिट की शुरुआत हो रही है और यूनिट का नाम है आपका वेव्स। बहुत अच्छी सी यूनिट्स है, बढ़िया से पढ़िएगा मन लगा करके। वेव्स का मतलब तरंगे, वेव्स का मतलब है तरंगे। ये नई यूनिट शुरू हो रही है आपकी, अब मुझे लगता है, विश्वास है कि इस नई यूनिट को आप नए ऊर्जा के साथ सुनेंगे, ठीक है, लिखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। ये नहीं कहेंगे हम कि लर्न करेंगे, आप अभ्यास कीजिए, फिजिक्स है, फिजिक्स अभ्यास प्रैक्टिस पे चलती है, लर्निंग की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लू याद किए जाते हैं छोटे छोटे, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ये वेव्स नई यूनिट शुरू हो रही है और इस यूनिट का पहला खंड है आपका SHM। पूरा नाम है इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हिंदी में कहा जाता है इसे सरल आवर्त गति और संक्षेप में इसका नाम चलता है SHM, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, सरल आवर्त गति कहिए। तो ये वेव्स यूनिट का पहला खंड है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे SHM, इसको शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन साफ SHM, सबसे पहले सरल आवर्त गति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ SHM, SHM को परिभाषित करना है, ये बताना है कि SHM है क्या। जब कोई कण अपनी साम्य स्थिति या माध्य स्थिति के इधर उधर इस प्रकार गति करता है कि कण पर कार्यकारी प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल क्या है आगे मैं विस्तार से बताऊंगा आपको, कण पर कार्यकारी प्रत्यानयन बल अथवा इसका त्वरण प्रत्येक स्थिति में विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा सदैव साम्य स्थिति की ओर को दिष्ट होता है, तो ऐसी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। जब कोई कण अपनी साम्य स्थिति, माध्य भी कह सकते हो, अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर इस प्रकार गति करता है कि उस पर कार्यकारी प्रत्यानयन बल, इस शब्द को याद रखिए, इस बल को याद रखिए, प्रत्यानयन बल या फिर इसका एक ऑप्शन है अथवा इसका त्वरण। जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर इस प्रकार गति करता है कि उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अथवा उसका त्वरण सदैव प्रत्येक स्थिति में विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, तथा सदैव साम्य स्थिति की ओर को दिष्ट होता है, ये प्रतिबंध होते हैं सरल आवर्त गति के तीन, उन्हीं तीनों को जोड़ करके इस डेफिनेशंस को तैयार किया जाता है, अलग से कुछ नहीं होती। इसके बाद हम शर्तें या प्रतिबंध बता रहे हैं सरल आवर्त गति की, तो जो तीन शर्तें होती हैं प्रतिबंध मतलब सरल आवर्त गति होने के लिए, उन तीनों को मिला दीजिए तो इसकी डेफिनेशंस बन जाती है, अलग से आपको कुछ नहीं करना है। तो ऐसी गति सरल आवर्त गति कहलाती है और सरल आवर्त गति होने के लिए शर्तें या प्रतिबंध, मतलब क्या प्रतिबंध या क्या शर्तें होती हैं जिनके आधार पर SHM होती है, अगर इन शर्तों को फॉलो नहीं किया जाता है तो SHM सरल आवर्त गति संभव नहीं होती है। इसके लिए तीन प्रतिबंध है, जिसमें पहला है कण की गति एक स्थिर बिंदु के इधर उधर सीधी रेखा में हो। पहला प्रतिबंध है सरल आवर्त गति के लिए कि कण की स्थिति एक स्थिर बिंदु के इधर उधर सीधी रेखा में हो, ये पहला प्रतिबंध है।
दूसरा प्रतिबंध है कण पर कार्यकारी प्रत्यय रहने वाला अथवा त्वरण सदैव साम्य स्थिति से कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती, जो लगने वाला बल है प्रत्यानयन बल या त्वरण कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होना चाहिए, ये दूसरा प्रतिबंध है। तीसरा प्रतिबंध है बल अथवा त्वरण सदैव उस बिंदु की ओर को दिष्ट हो, उस बिंदु की ओर को दिष्ट हो तभी कण की गति सरल आवर्त गति कहलाती है। अगर इन तीनों प्रतिबंधों को, तीनों शर्तों को ठीक है एक साथ मिला करके लिख दीजिए, आपको कुछ नहीं करना, डेफिनेशन से लिखने के लिए अगर आप ये प्रतिबंध आपको मालूम है तो तीनों प्रतिबंध आप पहला प्रतिबंध करके कामा लगा दीजिए, आप उसको जोड़ दीजिए तथा या कुछ लगा करके, दूसरा प्रतिबंध तीसरा प्रतिबंध, तो तीनों शर्तों को अगर आप जोड़ देंगे ठीक है तो आपकी SHM की परिभाषा बन जाएगी। और महत्वपूर्ण ये है कि पहले आप SHM की परिभाषा और शर्तें ही बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाएं तभी आगे के आर्टिकल्स आएंगे, नहीं अगर यही समझ में नहीं आएगा कि SHM क्या है ठीक है ये कैसी गति है तो फिर आगे के आर्टिकल्स आपको मुश्किल हो जाएंगे। प्रतिबंध जो था बल अथवा त्वरण सदैव विस्थापन के अनुक्रमानुपाती तथा उस बिंदु की ओर को दिष्ट होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स जो कह रहे हैं बल है ये विस्थापन है ये प्रतिबंध है, बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती परंतु विपरीत दिशा में माइनस चिन्ह बताता है विपरीत दिशा में होना चाहिए, या एफ इक्वल टू ठीक है क्योंकि माइनस सिर्फ यहाँ पर इस बात का द्योतक है दिशा का है तो लिखना चाहो तो माइनस लिखो हटा भी सकते हैं, एफ बराबर माइनस के वाई, जहाँ पर ये के एक नई चीज आ गई है, यहाँ पर के एक नियतांक है ठीक है जिसे बल नियतांक कहा जाता है ठीक है, पूरा नाम अगर कहो तो प्रत्यानयन बल नियतांक कहा जाता है के को, तो ये डिफिनेशंस भी आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी यहाँ पर के चूंकि पूरे खंड में चलता रहेगा इससे आप बच न पाओगे, हर जगह आएगा प्रत्यानयन बल, हर जगह आएगा SHM, सभी आर्टिकल्स में इस्तेमाल होगा के, तो ये है बल नियतांक प्रत्यानयन बल नियतांक। अगर इसको यहाँ से डिफाइन भी करना चाहो तो के बराबर एफ बटे वाई लिख सकते हो ठीक है, यहाँ से F इक्वल टू एम जी बल है तो K बराबर ये भी लिख सकते हो एम जी बटे वाई, ये सूत्र विभिन्न इसलिए बता दे रहे हैं कि कहीं पर भी अगर न्यूमेरिकल लगाने का काम पड़ जाए इन सूत्रों से तो आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लें, तो ये बल नियतांक है K बराबर F बटे वाई ठीक है। यहाँ से अगर यूनिट निकालेंगे इसकी तो न्यूटन बटे हो जाएगी मीटर, न्यूटन बटे मीटर ये यूनिट आ जाएगी ठीक है। यहाँ से अगर डायमेंशंस निकालते हैं इसकी, डायमेंशंस आप है तो डायमेंशंस भी निकाल लीजिए, तो डायमेंशंस हो जाएगी डायमेंशंस आपके बल नियतांक का विमीय सूत्र, तो ये बल है एम एल टी की घात माइनस दो और ये विस्थापन है एल, तो एल से एल निकल जाएगा तो ये आ जाएगा एम टी की घात माइनस, ये यूनिट है ये डायमेंशन है ये डिफिनेशन है ठीक है। डिफिनेशन से लिखने के लिए आप चाहे जैसे लिख दें, यहाँ एक काम कर दीजिए तो बल के बराबर हो जाएगा, दोनों का अनुपात कह दीजिए तो डिफिनेशन बन जाएगी, यहाँ से निकालना चाहें गुरुत्वीय बल से तो यहाँ से डिफिनेशन लिख जाएगी। इसके बाद SHM का पहला आर्टिकल, इसकी इक्वेशन पढ़ना है, सरल आवर्त गति की समीकरण पढ़ना है, पहला इक्वेशन पहला आर्टिकल है सरल आवर्त गति की समीकरण, लेकिन मेरा निवेदन है मेरी सलाह है कि पहले आप SHM को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्या है ये, इसके लिए जरूरी शर्तें क्या हैं होने के लिए, फिर प्रत्यानयन बल क्या है, बल नियतांक क्या है, इनकी यूनिट और डायमेंशंस क्या है, शुरुआत थोड़ा से मजबूती से कीजिए ताकि आगे आने वाले जो बड़े आर्टिकल्स हैं
वो आपको दिक्कत ना पैदा करें, परेशानी ना पैदा करें। इसलिए आज के वीडियो में ये जितने चीजें हमने बताई इनको बहुत मजबूती से कीजिए, ठीक है। इसके आगे जो वीडियो आ रहे हैं, जो आगे आर्टिकल्स आएंगे, अगर ये चीज़ आपको मजबूत होगी तो वो आर्टिकल आपकी अच्छी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।